अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास, होप सो यू आर ऑल फाइन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.5 के क्वेश्चन नंबर 9 से, जिसकी स्टेटमेंट है द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर प्ले ग्राउंड इज 21 मीटर। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग द फ्लोर ऑफ द प्ले ग्राउंड एट द रेट ऑफ ₹230 पर मीटर स्क्वायर एंड आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्ले ग्राउंड एट द रेट ऑफ ₹75 पर मीटर। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक सर्कुलर प्ले ग्राउंड के बारे में जिक्र किया जा रहा है जिसका डायमीटर 21 मीटर है। अब इस प्ले ग्राउंड का अगर फर्श रिपेयर करवाया जाए, ठीक करवाया जाए, तो सिर्फ 1 मीटर स्क्वेयर एरिया के लिए ₹230 अदा किए जा रहे हैं, तो टोटल एरिया के लिए कितनी रकम अदा की जाएगी आपने ये फाइंड आउट करना है। एंड आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्ले ग्राउंड एट द रेट ऑफ ₹75 पर मीटर। और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि इस प्ले ग्राउंड की बाउंड्री पर बाड़ लगाई जाएगी, तो सिर्फ 1 मीटर की लेंथ पर अगर बाड़ लगाई जाए तो उसके ₹75 अदा किए जा रहे हैं, तो टोटल पूरे प्ले ग्राउंड की जो बाउंड्री है उस पर अगर बाड़ लगाई जाए तो कितनी रकम अदा की जाएगी। तो इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है कि हमें सबसे पहले तो एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करने के बाद सर्कल का, उसके बाद हमें सरकमफेरेंस कैलकुलेट करना है, और उसके बाद फिर हम आसानी से कॉस्ट कैलकुलेट कर सकेंगे। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। स्टूडेंट्स स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैंने रफली यहाँ पे डायग्राम ड्रा किया है सर्कल की, जिसमें डायमीटर हमें गिवन है 21 मीटर। लेकिन स्टेटमेंट से हमें नज़र आ रहा है कि हमें यहाँ पर रेडियस से चाहिए होगा, क्योंकि हमें एरिया कैलकुलेट करना है सर्कल का। तो सबसे पहले हम डायमीटर से रेडियस फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम जानते हैं कि डायमीटर इक्वल होता है 2r के। अब डायमीटर की वैल्यू आपको 21 गिवन है इक्वल टू 2r, यहाँ से क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 21/2 इक्वल टू आर। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 21 और 2 को डिवाइड करके रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। रफ में डिवीजन परफॉर्म कर लें, न्यूमिरेटर वाली वैल्यू इनसाइड रखें, डिनोमिनेटर वाली आउट से रखें। 2 10s are 20, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करें आंसर 1 आ जाएगा। अब 1 एक छोटा नंबर है तो डेसिमल पॉइंट लगा के 0 का इंक्रीमेंट कर दें, 2 5s are 10, तो रिमाइंडर आ गया 0। इस तरह रेडियस किसके इक्वल आ गया 10.5 मीटर के। अब आप इस रेडियस को यूज़ करके एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सर्कल का एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वेयर के। पाई की वैल्यू है 22/7 और आर की वैल्यू क्या है 10.5 मीटर, जो कि आपने अभी कैलकुलेट किया और इसका आपने ले लिया स्क्वायर। अब स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि वैल्यू 2 टाइम्स राइट की जाएगी, 22/7 मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई 10.5 मीटर स्क्वेयर, क्योंकि स्क्वेयर मीटर पर भी था तो स्क्वेयर राइट किया जाएगा। अब डेसिमल पॉइंट रिमूव करके आप क्या कर सकते हैं, होल फ्रैक्शन में से चेंज कर सकते हैं। डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 और फिर एक डिजिट है तो 1 0 का इंक्रीमेंट होगा। इस तरह हम लिस्ट फॉर्म में भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 5s are 10। सिमिलरली यहाँ से इसकी मजीद कटिंग हो सकती है, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 1s are 5। सिमिलरली हम मज़ीद इसको लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 7 1s are 7, 7 3s are 21, ठीक है। इसी तरीके से आप इसे मज़ीद लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, 5 2s are 10, 5 1s are 5 and 5 2s are 10। लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद रिमेनिंग टर्म्स आपके पास आ गई हैं। अब आप इन्हें सब वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 11, 21 और 3 को, और फिर जो आंसर आएगा उसे 2 से डिवाइड करेंगे। तो 21 और 3 को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 63 आ गया। अब 63 को आप 11 से मल्टीप्लाई करवा दें, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से जो रिज़ल्ट आएगा उसको 11 से करवाना है। तो 11 से इसे मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1 3s are 3, 1 6s are 6। नेक्स्ट है 1 3s are 3, 1 6s are 6। 3 as it is, 6 plus 3, 9 and 6 as it is, तो रिज़ल्ट आ गया 693। तो एरिया इक्वल है 693 डिवाइडेड बाय 2 मीटर स्क्वेयर, ठीक है। अब 693 को 2 से डिवाइड कर दें, रफ वर्क में ये डिवीजन परफॉर्म कर लेते हैं, न्यूमिरेटर वाला नंबर इनसाइड लिखते हैं 693 और डिनोमिनेटर वाला आउटसाइड। 2 3s are 6, सब्ट्रैक्ट करें तो 0 और 9 as it is। 2 4s are 8, ठीक है, 9 minus 8 आंसर 1 आ गया। 3 को नीचे शिफ्ट कर लें, 4 6 2s are 12, रिमाइंडर आ गया 1।
अब वन छोटा नंबर है, डेसिमल पॉइंट लगा के ज़ीरो का इंक्रीमेंट करें, 2 5 ज़ार 10, तो इस तरह आंसर आ गया एरिया 346.5 मीटर स्क्वेयर। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ़ 1 मीटर स्क्वेयर एरिया पर अगर रिपेयरिंग का काम किया जाए तो उसके लिए 230 रुपये की अदायगी की गई थी, तो कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग द फ्लोर फॉर 1 मीटर स्क्वेयर एरिया, ठीक है, वो कितनी है जी, ₹230। ठीक है, तो टोटल एरिया तो 246.5 है, तो आप लेफ्ट राइट दोनों साइड पे क्या करेंगे, 346.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग द फ्लोर फॉर लेफ्ट पे भी मल्टीप्लाई करें, 346.5 × 1 मीटर स्क्वेयर इक्वल टू, राइट पे भी 230 के साथ इसे मल्टीप्लाई करवा दें, 346.5। ठीक है, अब यहाँ से देखें, जब आप मल्टीप्लाई करवा दिया आपने, तो यहाँ से डेसिमल पॉइंट को रिमूव करें, डिनोमिनेटर में 1 और ये 0, ये 0 इस 0 से कैंसिल आउट, तो 23 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3456 से। ठीक है, डेसिमल पॉइंट आपने रिमूव कर दिया। अब यहाँ से देखें, आपने 3465 को 23 से अब मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई करवा के आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट फाइंड आउट हो जाएगा। रफ वर्क में ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लें, 5 3 15 5 1 कैरी 6 3 18 प्लस 1 19 9 1 कैरी 3 4 12 प्लस 1 13 3 1 कैरी 3 3 9 प्लस 1 10। नेक्स्ट डिजिट की मल्टीप्लिकेशन है 2 5 10 0 1 कैरी 2 6 12 प्लस 1 13 3 1 कैरी 4 2 8 प्लस 1 9 2 3 6। ऐड कर दें 5 9 एज इट इज़ 3 प्लस 3 6 9 एज इट इज़ 6 प्लस 1 7। इस तरह आपने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, 79,695 रुपीज़। अब फेंसिंग रेट कैलकुलेट करने के लिए आपको सरकमफेरेंस रिक्वायर्ड है, तो सरकमफेरेंस यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर के, तो 2 एज इट इज़ पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस आपने निकाला था 10.5 मीटर। यहाँ से डेसिमल पॉइंट रिमूव करें, डिनोमिनेटर में 1 और ये 0 आ जाएगा, 2 1 2 2 5 10 5 1 5 5 2 10 5 1 5 7 3 21। इस तरह 22 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो सरकमफेरेंस आ जाएगा, सरकमफेरेंस इक्वल होगा 66 मीटर के, क्योंकि 22 और 3 को मल्टीप्लाई करवाने पे आंसर 66 मीटर ही आता है। अब स्टूडेंट्स, 1 मीटर जो लेंथ है उसके लिए जो बार लगाने के लिए रकम अदा की गई है वो 75 रुपीज़ है, तो वो राइट कर लेते हैं, कॉस्ट फॉर फेंसिंग 1 मीटर लेंथ इक्वल टू ₹75। अब टोटल लेंथ तो कितनी आई है, 66 मीटर, तो आप लेफ्ट राइट दोनों साइड पे 66 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो कॉस्ट फॉर फेंसिंग 1 × 66 मीटर इक्वल टू ₹75 × 66। अब 75 और 66 को रफ वर्क में मल्टीप्लाई करवा लें, 6 5 ज़ार 30 0 3 कैरी 6 7 ज़ार 42 42 प्लस 3 45 मल्टीप्लाई। नेक्स्ट डिजिट मल्टीप्लिकेशन है 6 5 ज़ार 30 0 3 कैरी 6 7 ज़ार 42 42 प्लस 3 45। ऐड कर लें 0 5 प्लस 0 5 5 प्लस 4 9 एंड 4 एज इट इज़, 4,950 रुपीज़ आर रिक्वायर्ड फॉर फेंसिंग द एट टोटल लेंथ ऑफ 66 मीटर सरकमफेरेंस। टोटल जो कॉस्ट आई है वो है 4,950
950 रुपीज़। ठीक है, ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के लिए जो फेंसिंग का रेट है वो आपने फाइंड आउट कर लिया, यही आपका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है।